सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कचरा मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीच मोहल्ले में स्थित डॉक्टर परिवार के घर से बदबू आने की जानकारी हुई। आसपास के लोगों ने आवाज उठाकर जानकारी लेनी चाही तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो 60 वर्षीय डॉक्टर अशोक शुक्ला का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है। वहीं मृतक के भतीजे ने बताया कि उसके चाचा यहां अकेले रहते थे, जबकि उनका पूरा परिवार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रह रहा है। कई दिनों से उन लोगों ने चाचा को नहीं देखा था। आज घर के सामने से निकलने के बाद दुर्गंध आने के बाद पता चला कि कोई ना कोई अनहोनी हुई है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अहिरवार भूपेंद्र ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या के कारणों का सही पता लग पाएगा। मिला कौन है और कैसे पता चला क्या घटना हुई है? ये हमारे चाचा जी हैं और ये हम लोगों को गंध आ रही थी, दो चार दिन से दरवाजा नहीं खुला, दिखे नहीं चुकी, तो हम लोगों को गंध के द्वारा पता चला, तो फिर हम लोगों ने पुलिस बुलवाई और फिर दरवाजा वगैरह खोल के देखे तो अंदर मृतक पाए गए, फांसी में लटक रहे। अकेले रहते थे, परिवार कहाँ रहता है? परिवार इनका बिलासपुर में बाहर रहते हैं और ये अकेले ही रहते थे। कितने दिन पुराना लग रहा है शव? ये 2-3 दिन तो लगभग हो गया, पुलिस बता रही 72 घंटे पुराना शव है। मिली है जी, किसकी बॉडी है और कैसे? डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला की बॉडी है और ये लगभग 3-4 दिन से दरवाजा बंद था, इनके परिजनों ने बताया गया है, तो अभी दरवाजा खोल कर देखा तो वो फांसी पे लटके हुए थे और उनका पूरा बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी और उनका बॉडी फ्लूइड नीचे बह रहा था, इसके कारण मक्खियाँ बाहर भनक रही थी और सब यही सब देखते हुए परिजनों को सूचना दी गई पार्षद द्वारा यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। सुसाइड कोई घटना प्रथम दृष्टया कोई सुसाइड नोट मिला हो? नहीं, अभी बॉडी तलाशी ली जा रही है, अभी आपको मिलेगी तो आपको जानकारी दी जाएगी इस संबंध में।